ब्रिटेन और अमेरिका में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए पी फाइजर की वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है। ब्रिटेन में जहां बुजुर्गों के साथ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को पहले चरण के लिए चुना गया है, वहीं अमेरिका में 30 लाख हेल्थ वर्कर्स और नर्सिंग होम रेजिडेंट्स को वैक्सीन दी जानी है। एक बात जिस पर सभी का ध्यान है और जिसे लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। दोनों देशों में बच्चों को फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए नहीं चुना गया है। दरअसल अलग अलग उम्र के लोगों पर वैक्सीन की स्टडी का पर्याप्त डेटा अभी मौजूद नहीं है। माना जा रहा है कि अगले साल तक मिल सकेगा। 12 साल तक की उम्र के बच्चों पर टेस्ट अक्टूबर में शुरू किया गया था और अभी उसके नतीजे आने में कुछ महीने का वक्त लग सकता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में फैसला करना होगा कि क्या बच्चों पर इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए डेटा पर्याप्त है। इन नतीजों के आधार पर इस बात पर भी फैसला किया जाएगा कि क्या और छोटे बच्चों पर इसका टेस्ट किया जा सकता है। वहीं अमेरिका में इजाजत पाने वाली दूसरी कंपनी बनने की उम्मीद लग रही है। मॉडर्ना ने इसी महीने 12 से 17 साल के बच्चों को एनरोल करना शुरू किया है। उन्हें एक साल तक ट्रैक किया जाएगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर ट्रायल 2021 की शुरुआत में हो सकते हैं। अभी इस बात पर संशय बरकरार है कि क्या बच्चों को लेकर नतीजे अगले साल स्कूल शुरू होने पर वैक्सीनेशन से पहले आ सकेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।